वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, देन एंडोस्पर्म पढ़ा था, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था एंडोस्पर्म होस्टोरिया। तो एंडोस्पर्म होस्टोरिया का मैंने क्या फंक्शन बताया था कि प्लांट में उपस्थित जो होस्टीरिया होते हैं या एंडोस्पर्म होता है, पहले अपन एंडोस्पर्म पे बात करते हैं। तो एंडोस्पर्म न्यूसिलस की सेल्स से पोषण अवशोषित कर उसे एम्ब्रियो को देने का कार्य करते हैं। तो कुछ प्लांट्स में ऐसे होता है कि एंडोस्पर्म की सेल्स कृमिनुमा अतिवृद्धियाँ या आउटग्रोथ्स बना लेती है, जिन्हें कहते हैं होस्टोरिया। तो ये होस्टोरिया तीन प्रकार की थी, कौन कौन सी? चैलेजल, माइक्रोपाइलर और माइक्रोपाइलर चैलेजल। तो चैलेजल जो होस्टीरिया थी या होस्टोरिया थी, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में अनुप्रस्थ विभाजन से दो चैम्बर बनते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? चैलेजल चैम्बर और माइक्रोपाइलर चैम्बर। तो जो माइक्रोपाइलर चैम्बर और चैलेजल चैम्बर होता है, इसमें चैलेजल चैम्बर की जो एंडोस्पर्म की सेल्स होती है, वो एक अतिवृद्धि या मैं यूँ बोलूँ कृमिनुमा अतिवृद्धि का निर्माण कर लेती है और न्यूसिलस के सेल्स से न्यूट्रिशन का अवशोषण करती है। जो माइक्रोपाइलर होस्टोरिया होती है, उसका निर्माण कैसे होता है कि जो माइक्रोपाइलर और चैलेजल साइड होती है, उसमें से जो माइक्रोपाइलर चैम्बर होती है, वहाँ की एंडोस्पर्म वाली सेल्स वो होस्टोरिया का निर्माण कर लेती है और न्यूसिलस के सेल्स से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्बमेंट करती है। और जो आपके माइक्रोपाइलर चैलेजल होस्टोरिया होती है, उसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, उसमें डिवीजन के फलस्वरूप दो चैम्बर बनते हैं। कौन कौन से? माइक्रोपाइलर चैम्बर और चैलेजल चैम्बर। तो जो माइक्रोपाइलर चैम्बर की जो सेल्स होती है, उसमें भी या माइक्रोपाइलर चैम्बर होता है, उसमें भी डिवीज़न होता है। डिवीज़न से तीन सेल्स बनती है। तो जो सबसे ऊपर वाली सेल होती है, वो माइक्रोपाइलर चैम्बर का निर्माण करती है, सॉरी माइक्रोपाइलर होस्टोरिया का निर्माण करती है, और चैलेजल साइड की जो सेल्स होती है, वो चैलेजल होस्टोरिया का निर्माण करती है। तो इस तरह इसमें दो होस्टोरिया हो गए। जो बीच की सेल्स होती है, जिसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं, यह सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म निर्माण करने का कार्य करती है। और ये जो चैलेजल और माइक्रोपाइलर होस्टोरिया होती है, वो भ्रूण के लिए न्यूट्रिशन या पोषण अवशोषण का कार्य करती है। अब आ गए आपके यूजेस। तो नेक्स्ट जो आपके टॉपिक है अनिषेक जनन, वो शुरू करने से पहले मैं आपको एंडोस्पर्म के यूजेस बता देती हूँ। या यूजेस नहीं, इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा बोलेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एंडोस्पर्म, यूजेस से ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट बोलना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है प्लांट्स में, वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो जनरली एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो प्लांट्स में क्या होगा कि पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो प्लांट्स में एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अगर किसी प्लांट में एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी रुक जाता है। तो इसके यूजेस क्या हो गए कि किसी भी प्लांट में पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। और यदि अगर किसी प्लांट में एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है या रुक जाता है, तो उस प्लांट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी नहीं होगा या रुक जाएगा। अब आता है जीनिया। तो अगर
एंडोस्पर्म पर पोलन ग्रेन का प्रभाव पड़ता है तो इसे कहते हैं जीनिया। तो कुछ टर्म्स होती है जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि जीनिया क्या होता है। तो अगर एंडोस्पर्म की सेल्स पर पोलन ग्रेन का प्रभाव पड़ता है तो इसे बोलते हैं जीनिया। और ये किस में देखा गया? मक्का में। तो मक्का में एंडोस्पर्म पे पोलन ग्रेन के प्रभाव देखे गए जिन्हें जीनिया कहते हैं। और मेटाजीनिया, यदि पोलन ग्रेन का प्रभाव किसी दूसरी सेल या एंडोस्पर्म के अलावा किसी अन्य सेल्स पे देखा जाए, अदर सेल्स, तो इसे मेटाजीनिया कहते हैं। तो मेटाजीनिया किसे कहेंगे? पोलन ग्रेन का प्रभाव एंडोस्पर्म के अलावा, एंडोस्पर्म के बाहर की किसी अन्य सेल्स पे देखा जाता है तो इसे कहते हैं मेटाजीनिया। या मैं यूँ कहूँ कि पोलन ग्रेन का प्रभाव एंडोस्पर्म के अलावा, जब एंडोस्पर्म के अलावा अन्य सेल्स पे पड़ता है तो इसे कहते हैं मेटाजीनिया। और ये सबसे पहले खजूर में देखा गया। खजूर में पोलन ग्रेन का प्रभाव एंडोस्पर्म के बाहर वाली सेल्स, जैसे कि न्यूसिलस आदि, तो उन सेल्स पे देखा गया तो इसे मेटाजीनिया कहते हैं। और एग्जांपल है खजूर। फिर होता है मोज़ेक एंडोस्पर्म। तो मोज़ेक एंडोस्पर्म क्या होता है? अगर एंडोस्पर्म की सेल्स में कुछ रंध्र पाए जाते हैं या रंध्र नुमा दिखाई देती है या उस पर कुछ धब्बे दिखाए जाते हैं तो अगर एंडोस्पर्म की सेल्स में कुछ रंध्र पाए जाते हैं या एंडोस्पर्म की सतह धब्बे नुमा दिखाई देती है तो इसे कहते हैं मोज़ेक एंडोस्पर्म। और ये किस में देखा गया? मक्का में। तो जीनिया, एंडोस्पर्म पे पोलन ग्रेन के प्रभाव को जीनिया कहते हैं। एग्जांपल है मक्का। मेटाजीनिया, पोलन ग्रेन्स का अफेक्ट या पोलन ग्रेन्स का प्रभाव एंडोस्पर्म के अलावा उसकी बाहरी सेल्स पे देखने को मिलता है, मेटाजीनिया। एग्जांपल है खजूर। और मोज़ेक एंडोस्पर्म, यदि एंडोस्पर्म की सतह रंध्र युक्त दिखाई देती है या उस पे धब्बे दिखाई देते हैं तो इसे मेटाजीनिया कहते हैं। और एग्जांपल है मक्का। फिर आता है आपके पार्थेनोजेनेसिस। फीमेल गैमिट या एग सेल के द्वारा विदाउट फर्टिलाइजेशन के या बिना निषेचन के भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। तो मेल गैमिट या एग सेल के द्वारा बिना निषेचन के एम्ब्रियो के निर्माण की प्रक्रिया पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। यह दो ग्रीक वर्डों से बना है या ग्रीक वर्ड से बना है, पार्थेनोस एंड जिनेसिस। तो पार्थेनोस का मतलब है विदाउट फर्टिलाइजेशन और वर्जिन।
जिनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो जब एम्ब्रियो का निर्माण एग सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है या बिना निषेचन के एग सेल के द्वारा भ्रूण का निर्माण पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन कहलाता है। यह दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, पार्थेनोस विदाउट फर्टिलाइजेशन या वर्जिन और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कोल ने पार्थेनोजेनेसिस की खोज की, और या ये शब्द किसने दिया? कोल ने। और उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है कि मेल गैमिट के फीमेल गैमिट से संलयित हुए बिना ही अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो यह प्रक्रिया पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। तो पार्थेनोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या होगी कि मेल गैमिट के फीमेल गैमिट से संलयित हुए बिना ही एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो ये जो पार्थेनोजेनेसिस है, जिसे अनिषेक जनन कहते हैं, इसे दो भागों में हम बांट सकते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस को दो भागों में बांटेंगे, तो प्रजनन विधि के आधार पर, तो इसका फर्स्ट टाइप होगा प्रजनन विधि के आधार पर। तो फर्स्ट क्या होगा कि पार्थेनोजेनेसिस को प्लांट्स में दो भागों में बांट सकते हैं कि यह किस किस आधार पर होता है। तो प्रजनन विधि के आधार पर या बेस्ड ऑन ब्रीडिंग मेथड। सेकंड है कोशिकीय लक्षणों के आधार पर। तो जो आपके पार्थेनोजेनेसिस है, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन ब्रीडिंग मेथड एंड सेकंड है बेस्ड ऑन सेलुलर फीचर्स। तो आपके जो बेस्ड ऑन ब्रीडिंग मेथड है या प्रजनन विधि के आधार पर, तो प्रजनन विधि के आधार पर भी अनिषेक जनन को दो अन्य भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है आकस्मिक एंड सेकंड है सामान्य अनिषेक जनन। तो आकस्मिक अनिषेक जनन और सामान्य अनिषेक जनन। तो पार्थेनोजेनेसिस को प्लांट्स में दो भागों में विभक्त किया गया था, प्रजनन विधि के आधार पर और कोशिकीय लक्षणों के आधार पर। तो प्रजनन विधि के आधार पर भी अनिषेक जनन को दो भागों में बांटा गया है, आकस्मिक अनिषेक जनन और सामान्य अनिषेक जनन। सडन पार्थेनोजेनेसिस एंड जनरल पार्थेनोजेनेसिस। तो आपके जो सामान्य अनिषेक जनन है, इसे भी दो भागों में बांटा गया है, अविकल्पी एवं विकल्पी अनिषेक जनन। तो
प्रजनन विधि के आधार पर पार्थेनोजेनेसिस को दो भागों में बांटा गया है, आकस्मिक व सामान्य अनिषेक जनन। जो आपके सेकेंड टाइप फेज का सामान्य अनिषेक जनन, इसे भी दो भागों में बांटा गया है, वो है अविकल्पी अनिषेक जनन व विकल्पी अनिषेक जनन। आपके जो विकल्पी अनिषेक जनन है, इसे भी दो भागों में बांटा गया है, अचक्रिक या सतत अनिषेक जनन और है चक्रिक अनिषेक जनन। तो आपके प्रजनन विधि के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, आकस्मिक अनिषेक जनन और सामान्य अनिषेक जनन। तो आकस्मिक अनिषेक जनन प्रकार में क्या होता है कि एक सेल से अचानक ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आकस्मिक अनिषेक जनन में यह सडन पार्थेनोजेनेसिस टाइप में क्या होता है कि जो एग सेल होती है, इससे अचानक ही उसमें कुछ बदलाव होते हैं और अचानक से ही ये जो एग सेल है वो एम्ब्रियो में बदल जाती है, तो इसे आकस्मिक अनिषेक जनन कहते हैं। फिर आता है सामान्य अनिषेक जनन। तो सामान्य अनिषेक जनन में फर्स्ट है आपके विकल्पी और सेकंड है फर्स्ट है आपके अविकल्पी और सेकंड है विकल्पी अनिषेक जनन। तो जो आपके अविकल्पी अनिषेक जनन है, इसमें सिर्फ एग सेल से ही एम्ब्रियो का निर्माण होता है, या मैं यूं कहूं कि अनिषेचित एग सेल के द्वारा ही एग सेल का निर्माण होता है। जबकि जो विकल्पी अनिषेक जनन है, इसमें एग सेल से एम्ब्रियो का निर्माण तो होता है, लेकिन वो दो प्रकार से होता है, कौन कौन सा, सतत और चक्रिक। तो सामान्य अनिषेक जनन में क्या होगा कि यह मुख्यतया अनिषेक जनन वाली विधि ही है। मीन्स यहाँ तो क्या होता है कि सडनली एग सेल में कोई चेंजेस होते हैं और चेंजेस होने के बाद में एम्ब्रियो का निर्माण होता है, लेकिन प्लांट्स में यह जो विधि होती है वो सामान्य अनिषेक जनन की विधि होती है। जो जनरली पाई जाती है वह है सामान्य विधि, और ये मोस्टली होती है प्लांट्स में। तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है, अविकल्पी अनिषेक जनन व विकल्पी अनिषेक जनन। तो अविकल्पी अनिषेक जनन में एग सेल से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, उसके अलावा नहीं होता। विकल्पी अनिषेक जनन में क्या होता है कि जो स्पोर मदर सेल होती है, उसमें डिवीजन होने से एग सेल बनती है और एग सेल से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो बनने से हैप्लोइड प्लांट का फॉर्मेशन होता है। जबकि जो चक्रिक अनिषेक जनन है, उसमें क्या होता है कि हैप्लोइड पीढ़ी व उभयलिंगी पीढ़ी एकांतर क्रम में चलती रहती है। तो अनिषेक या सतत अनिषेक जनन में क्या होता है कि जो स्पोर मदर सेल होती है, इस स्पोर मदर सेल में डिविजन्स या मियोसिस होने से एग सेल बनती है, और इस एग सेल से हैप्लोइड प्लांट का निर्माण होता है, और हैप्लोइड जनरेशन ही चलती रहती है। जबकि जो चक्रिक या साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस है, इसमें क्या होता है कि जो हैप्लोइड प्लांट होते हैं, हैप्लोइड या बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी, तो चक्रिक अनिषेक जनन में क्या होता है, या तो जो भ्रूण बनेगा वो हैप्लोइड बनेगा या हैप्लोइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, या फिर बाइसेक्सुअल जनरेशन चक्रिक क्रम में या साइक्लिक फॉर्म में चलती रहेगी। मीन्स यहाँ सिर्फ हैप्लोइड एम्ब्रियो का निर्माण होता है और यहाँ हैप्लोइड
और उभयलिंगी या बाईसेक्सुअल जनरेशन एकांतर क्रम में चलती रहती है। मींस इसमें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि सिर्फ हैप्लोइड एम्ब्रियो का निर्माण ही होगा, उसके अलावा इसके पास अनिषेक फलन का और कोई मार्ग नहीं होता है। जबकि चक्रिक अनिषेक फलन में क्या होता है कि हैप्लोइड एम्ब्रियो का निर्माण भी हो जाता है और बाद में उभयलिंगी पीढ़ी भी एकांतरण क्रम में चलती रहती है। जो आपके टाइप 2 है बेस्ड ऑन सेलुलर फीचर्स या कोशिकीय लक्षणों के आधार पर, यह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करवाऊँगी। थैंक यू।